हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने 12th कॉमर्स मैथ्स 1 का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, या सिंपली उसको आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन, यानी कि 5th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि मैथ्स 1 में टोटल 8 चैप्टर्स है, जिसमें हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन चैप्टर। तो अगर आपको इंटीग्रेशन चैप्टर आता है तो आप डेफिनिट इंटीग्रेशन भी इजीली कर लोगे, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने इंटीग्रेशन में किया था सेम फॉर्मूले यहाँ पर भी यूज़ होने वाले हैं। जस्ट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान में रखोगे और इंटीग्रेशन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से। पहले मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन आपको दे देता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है एग्जांपल्स में सॉल्व करता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट बुक के मैं सॉल्व एग्जांपल करूँगा एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.1 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो जस्ट मैंने एक फंक्शन अज्यूम किया। देखो यहाँ पे लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सी। जस्ट हमने यहाँ पे अज्यूम किया है फाइव एक्स प्लस सी क्या है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है, वो हमने अज्यूम किया है। प्लस सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन इंटीग्रेशन ए टू बी, अभी ये ए टू बी क्या रहेगा इंटीग्रेशन में, ए टू बी दिस इज कॉल्ड एज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ए को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और बी को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट आपको क्या करना है एक्स के प्लेस पे ये अपर लिमिट पुट करना है, देन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन एक्स के प्लेस पे ये लोअर लिमिट देखो आपको पुट करना है और ये आंसर हो जाएगा आपका। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो ये जो लिखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर आपको लिमिट्स नहीं दिया हुआ है, तो जब इंटीग्रेशन का लिमिट नहीं दिया रहेगा इट इज़ कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बट अगर ये इंटीग्रेशन का यहाँ पर कुछ वैल्यू मेंशन करेगा उसको बोलते हैं लिमिट हम लोग, तो यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू दिया रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो सॉल्यूशन आएगा ऑलवेज रियल नंबर आएगा, मतलब कोई तो आपको नंबर मिलेगा। इसके पहले हमने जो 5th चैप्टर में किया हुआ है, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन का कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो जो देखो आपको सॉल्यूशन आता है हमेशा एक्स के फॉर्म में आता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका सॉल्यूशन एक रियल नंबर आएगा, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, -5/2 हो गया, log 3 हो गया, ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे। तो जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है दिस इज़ कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और अगर आपको यहाँ पर ऐसा कुछ वैल्यू दे दिया तो दिस इज़ कॉल्ड एज द डेफिनिट इंटीग्रेशन, और जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा दिस वैल्यूज आर कॉल्ड एज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझेगा कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं सिंपल एग्जांपल से देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो जैसे आप इंटीग्रेशन निकालते हो जो भी मैंने आपको मेथड सिखाया है इसके पहले के चैप्टर में, सेम मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है। लास्ट में सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये लिमिट जो है कैसे अप्लाई करना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन देखो निकालते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो एक्स रेस टू 3 का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर जब भी इंटीग्रेशन का लिमिट यहाँ पर दिया रहेगा तो आपको प्लस सी नहीं लिखना है, प्लस सी इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में प्लस सी आपको नहीं लिखना, ये आपको ध्यान में रखो। तो एक्स रेस टू 3 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स रेस टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया आपका। अब जस्ट आपको यहाँ पर ऐसा एक ब्रैकेट देना है और ब्रैकेट देने के बाद ये लिमिट देखो लिखना है, लोअर लिमिट यहाँ पर 2 है तो 2 लिखोगे, अपर लिमिट आपका 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, देखते क्या आता है यहाँ पे, एक्स रेस टू 4 हो जाएगा ये डिवाइड बाय देखो आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट आपको कितना दिया है 2 to 3। अब देखो आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है आपको, दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा एक्स रेस टू 4 अपॉन 4,
तो अपॉन में 4 है तो वो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, 1/4 देखो मैं बाहर लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपको, एक्स रेज टू 4 यहाँ पर बच रहा है, और ये जो लिमिट है ऐसे लिखना है आपको, 2 to 3 का जो लिमिट है वैसे लिखना है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 आपका ऐसे रहेगा ब्रैकेट, 2 जो है वो लोअर लिमिट है और 3 क्या है अपर लिमिट है इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर आप 3 पुट करोगे तो 3 raised to 4 हो जाएगा। ऑलवेज आपको सब्ट्रैक्शन देना है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे दिया आपको फॉर्मूला, उसके बाद आपको x का वैल्यू 2 पुट करना है, ये हो जाएगा देखो आपका 2 raised to 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 ब्रैकेट 3 raised to 4, तो 3 × 3 × 3 4 टाइम्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा 81 माइनस 2 raised to 4 2 × 2 × 2 4 टाइम्स अगर आप करोगे तो यू विल गेट हियर 16 मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 81 माइनस 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, 7 माइनस 1 सो दिस विल बी 6, 65/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो गिवन क्वेश्चन क्या था आपका, इंटीग्रेशन 2 to 3 x³ dx, इसका आंसर क्या आएगा 65/4, सम सॉल्व हो गया ये। सो दिस इज कॉल्ड एज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो फाइनल आंसर आएगा ऑलवेज आपको एक रियल नंबर मिलेगा यहाँ पर, समझा मैंने क्या पढ़ाया बेटा, नहीं समझा। ये देखो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, और भी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ सो दैट कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्लियर हो जाएगा। मैंने देखो सेकंड एग्जांपल लिया है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2, तो -1 to 2 क्या है इंटीग्रेशन का लिमिट है, -1 इज कॉल्ड एज द लोअर लिमिट एंड दिस 2 इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट, x² dx। इंटीग्रेशन का मेथड सेम है जो हमने 5th chapter में किया है, वही सेम मेथड यूज़ करके आपको इवेल्युएट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, x² का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x² का इंटीग्रेशन होता है x^2+1 यानी कि 3 हो जाएगा अपॉन 2+1 3 हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो आपको लिमिट यहाँ पर लिख देना है ब्रैकेट दे करके। ऑलवेज रिमेंबर इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमको प्लस सी नहीं यहाँ पर लिखना है, जब भी आपको लिमिट दिया रहेगा तो आप प्लस सी नहीं लिखोगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता यहाँ पर। अब मैं इसको देखो सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या मिलता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 को मैं ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका x³ और यहाँ पर देखो -1 to 2 है, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, लिमिट अप्लाई करना है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू -1 है, तो एक बार आपको x का अपर लिमिट पुट करना है, देन माइनस करते हैं हम लोग x का लोअर लिमिट आपको पुट करना है। तो x का अपर लिमिट कितना दिया है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 raised to 3, ऑलवेज बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, x का लोअर लिमिट पुट करना है यानी कि -1, तो ये हो जाएगा देखो आपका -1 raised to 3 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा आप लिख दो, सो 1/3 × 2 raised to 3 किया तो 8 आएगा, -1 का पावर 3 करोगे तो -1 आएगा एंड -−become +1, तो ये आपका +1 हो जाएगा, तो 8+1 9, 9/3 आंसर विल बी 6। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 x² dx इज 3 आ गया, ये सम आपका सॉल्व हो गया। देखो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 x(dx), तो 3 इज़ द लोअर लिमिट एंड 5 इज़ द अपर लिमिट। आपको नॉर्मल मेथड यूज़ करके इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है। x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है, x का इंटीग्रेशन होता है x² / 2, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ x² / 2, इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर ब्रैकेट और जो लिमिट यहाँ पे दिया है वो लिमिट लिख देना है। नाउ दिस इज इक्वल टू देखो 1/2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर x² है, लिमिट जो 3 to 2 दिया है एज इट इज़ रहेगा, सो दिस इज इक्वल टू नाउ 1/2 आपका वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, एक बार अपर लिमिट पुट करना है देन माइनस लोअर लिमिट, तो x का अपर लिमिट कितना यहाँ पे देखो कितना दिया है 2, तो x का वैल्यू आप एक बार 2 पुट करोगे तो 2² हो जाएगा माइनस, उसके बाद आपको x का वैल्यू पुट करना है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 3 है
तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दिस वे। ऑलवेज रिमेंबर बीच में हमेशा सब्ट्रैक्शन आता है। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो देखते हैं आंसर कितना आता है ये सिंप्लीफाई करके। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ऐसे रहेगा आपका ब्रैकेट, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9, तो 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका माइनस 5। तो आपको आंसर मिलेगा फाइनल माइनस 5/2, आपका सम सॉल्व हो गया। सो दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यही सेम मेथड यूज़ करके हम लोग एंटायर चैप्टर जो 6 चैप्टर है पूरा सॉल्व करेंगे। बट जैसे आप आगे आगे सॉल्व करते जाओगे तो आपको थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ भी आपको आगे स्टडी करना है, और जो 5th चैप्टर हमने किया है उसका पूरा फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे बेटर ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड यानी कि 6.1 से रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल करवा देता हूँ। एक बार सॉल्व एग्जांपल कर लोगे तो एक्सरसाइज करना इजी होगा। सॉल्व एग्जांपल मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखो इसके पहले का भी जो चैप्टर है इंटीग्रेशन का उसमें भी मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल जितना भी दिया था टेक्स्ट बुक भी पूरा मैंने करवा दिया था, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज में कम दिया हुआ है, तो अगर हम सॉल्व एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर मिसलेनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, तो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, बट पहले हम सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज इसको कंप्लीट कर लेंगे ईच चैप्टर का, और ये होने के बाद मैं हर एक चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज एवरीथिंग आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, चाहे वो मैथ्स 1 हो या मैथ्स 2 हो। अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है, अभी जस्ट आपका देखो जस्ट जून चालू है और हम लोगों ने मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर कवर कर दिया है। मैथ्स 1 में टोटल 8 चैप्टर हैं, हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, 6 चैप्टर हम कर रहे हैं, इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर बचेगा। और मैथ्स 2 में भी देखो हमने आई थिंक 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर हमने किया था कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट मैथ्स 2 का, फिर सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया इंश्योरेंस एंड एनुइटी, एंड 5th चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है इंडेक्स नंबर। अब इसके बाद में मैथ्स 2 में स्टार्ट करूँगा 3rd चैप्टर दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो पोर्शन में काफ़ी फटाफट मैं कर रहा हूँ, बट साथ में आपको भी प्रैक्टिस करते जाना है। ऐसा नहीं कि मैं फटाफट आपको पोर्शन करवाते जाऊँ और आप कुछ करो नहीं, तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा उसको। तो जितना भी मेरा वीडियो लेक्चर्स है हर एक वीडियो लेक्चर्स को आपको देखना है और बाद में खुद से प्रैक्टिस करना है आपको सम्स को, बिकॉज जब तक आप सम्स को सॉल्व नहीं करोगे उसको बार बार तब तक वो प्रैक्टिस नहीं होगा। देखिए आप एग्जाम्पल 1 दिया है आपको, इवेलुएट फर्स्ट सब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स रेस टू 4 इंटू dx। तो आपको एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन निकालना है, और लोअर लिमिट जो है इंटीग्रेशन का 2 दिया हुआ है और अपर लिमिट आपको 3 दिया हुआ है। तो हम लोग नॉर्मल मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, बाद में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू देखो हो जाएगा आपका एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू 4+1 अपॉन 4+1 बाई यूजिंग द फॉर्मूला। ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4+1 अपॉन 4+1, इंटीग्रेशन आपका हो गया है ये, बट आपको यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग प्लस सी नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट जैसे दिया है वैसे लिखेंगे, लोअर लिमिट 2 है अपर लिमिट देखो 3 दिया हुआ है। सो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 हो जाएगा, लिमिट आपका देखो 2 to 3 एज इट इज़ रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1/5 कांस्टेंट है लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो 1/5 हमने बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है एक्स रेस टू 5 बचेगा, तो एक्स रेस टू 5 और लिमिट क्या है 2 to 3। तो एक बार x का वैल्यू हम पुट करेंगे अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 raised to 5 माइनस हो जाएगा, फिर x का वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2 raised to 5 हो जाएगा। देखते सिंप्लीफाई करके इसका आंसर क्या आता है। सो देयर फोर दिस इज इक्वल टू ये 1/5 हो जाएगा, ब्रैकेट देखो 3 raised to 5 दिया है, तो 3 raised to 5 मीन्स 3 × 3 × 3 आपको 5 टाइम्स करना है, तो 3 raised to 5 दैट मीन्स 3 × 3 × 5 टाइम्स करेंगे तो आपको मिलेगा 243। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखो 243 माइनस 2 raised to 5, तो 2 × 2 × 2 5 टाइम्स करना है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखो 32 मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/5 एज इट इज़ रहेगा इंटू ब्रैकेट 243 माइनस 32 करते हैं तो 3 − 2 1 हो जाएगा, 4 − 3 1 हो जाएगा, और ये देखो आपका 2 हो जाएगा 211,
तो आंसर क्या मिल गया आपको, 211/5 आपका सम सॉल्व हो गया। देखो सेकंड सब क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/2x + 5। तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x का लीनियर फंक्शन है, और आपको मालूम है जब डिनोमिनेटर में x का लीनियर फंक्शन रहेगा तो हम उसका इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x होता है। सेम वे 1/2x + 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये log ऑफ mod ऑफ 2x + 5 हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, 2x + 5 का जो डेरिवेटिव है वो आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज अपना जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का 1/x के लिए है, बट x के प्लेस पे क्या यूज़ किया है, x का लीनियर फंक्शन 2x + 5। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 2x + 5 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2, प्लस सी आपको लिखना नहीं है बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो हम यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे लिमिट जो दिया है वो लिख देंगे 0 to 1। अपॉन 2 कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर लेता हूँ मैं। और देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, लॉग ऑफ, आप मॉड को निकाल सकते हो, मॉड को रिप्लेस करके आप ब्रैकेट लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है, 0 to 1। यहाँ पे लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है 1, देन माइनस x का वैल्यू 0 पुट करना है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, तो बाहर रहेगा इनटू ब्रैकेट, देखो लॉग वैसे ही रहने वाला है, बिकॉज जो x का फंक्शन है वो लॉग के साथ में है, तो लॉग वैसे ही रहेगा। x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 into 1 2 हो जाएगा, 2 + 5 आपका 7 हो जाएगा, देन सब्ट्रैक्शन करना रहता है ऑलवेज। अब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें तो ये हो जाएगा देखो लॉग ऑफ, नाउ सी अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 into 0 0 हो जाएगा, 0 + 5 तो 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका log 5, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा 1/2 log ऑफ प्रॉपर्टी है log a माइनस log b, तो log a अपॉन b होता है ये प्रॉपर्टी है, तो आपका आंसर आएगा दिस विल बी log ऑफ 7/5 आ जाएगा। मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया log का, बिकॉज दिस log a अपॉन b इक्वल्स टू होता है log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया। तो सब्ट्रैक्शन था तो डिवीजन हो गया, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। ये एग्जांपल 1 का थर्ड सब क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 है 1/√1 + x + √x है। तो पहले आपको देखना है कि इसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कैसे होगा, अपॉन में 2 टर्म दिया है और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने 5th चैप्टर में किया था, हम डिनोमिनेटर के टर्म्स को रैशनलाइज कर देंगे। तो आई विल राइट हियर, तो ये हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 रहेगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 + x √1 + x माइनस आएगा √x, और यहाँ पर देखो आपका √1 + x दिया है पहले से + √x, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, सो √1 + x ये हो जाएगा देखो -√x/dx। तो आई थिंक आपको समझा रहेगा, ये जस्ट मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1, न्यूमरेटर आपका वैसे ही रहने वाला है √1 + x - √x, और ये देखो डिवाइडेड बाय, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को। सो डिनोमिनेटर जो आपका है वो a - b * a + b के फॉर्म में है, देखो यहाँ पर a + b a - b के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला आपको पता है a² - b², तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, सो √1 + x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा ये दिस वे, और √dx आएगा। तो मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा आपका i = न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट, देखो यहाँ पर 1 + x है और यहाँ पे -√x है, लिमिट आपका 0 to 1 है, डिवाइडेड बाई देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका निकल जाएगा, तो यू विल गेट हियर 1 + x देन माइनस √x का स्क्वायर, तो रूट निकल जाएगा तो आपको x मिलेगा, यहाँ पर dx है तो +x - x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1 बचेगा विच इज़ मीनिंगलेस। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 मिल रहा है, √1 + x है, तो √1 + x को मैं 1 + x/2 भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माइनस दिस √x ऑल्सो आई कैन राइट x/2, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग dx दिस वे।
बिकॉज रूट वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, बट अगर हम उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर दोनों भी टर्म्स का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा बाई यूजिंग एक्स रेस टू एन फार्मूला। तो पहले मैं देखो यहाँ पर सेपरेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स रेस टू हाफ, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे सेपरेट, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू हाफ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का। सो सी 1 प्लस एक्स रेस टू क्या हो जाएगा आपका हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय आएगा हाफ प्लस 1 हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो गया पार्ट, तो आप यहाँ पर लिमिट 0 to 1 लिख दोगे यहाँ पर, माइनस सेम वे एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन, तो एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन, देखो यहाँ पर आएगा हाफ प्लस 1 और ये आपका लिमिट है 0 to 1। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना, देखते क्या आता है। सो ब्रैकेट में देखो यहाँ पर 1 plus x, तो ये हो जाएगा 1 plus x रेस टू हाफ प्लस 1, तो मालूम है आपको 3/2 आएगा, अपॉन में भी देखो वही आएगा आपका 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज बिकॉज यहाँ पर लिमिट है 0 to 1। देन माइनस सेम थिंग हियर ऑल्सो एक्स रेस टू हाफ प्लस 1, तो यहाँ पर भी आपको 3/2 मिलेगा डिवाइड बाय दिस इज 3/2 और यहाँ पर लिमिट है 0 to 1। अब मैं देखो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पर देखो अपॉन में 3/2 है तो वो 2/3 होएगा, उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। सो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू 3 upon 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1 plus x raised to 3/2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 plus x raised to यहाँ पर 3/2 रहेगा एंड लिमिट है यहाँ पर देखो आपका 0 to 1। देन माइनस सेम थिंग अपॉन में 3/2 है तो बाहर आएगा 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर x raised to दिया है आपको 3/2, लिमिट इज 0 to 1। अब आपको सिंपली लिमिट अप्लाई करना है, दैट मीन्स एक बार आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है माइनस x का वैल्यू जो भी दिया है 1 वो पुट करना है आपको। सो दिस इज इक्वल टू देखो 2/3, अब यहाँ पे लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, तो पहले आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 plus 1 ये 2 हो जाएगा और ये रेस टू 3/2 रहेगा माइनस, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 plus 0 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 raised to आएगा ये 3/2 क्लोज ब्रैकेट माइनस 2/3 देखो यहाँ पर। सेम थिंग यहाँ भी करना है आपको, x का वैल्यू पहले पुट करना है अपर लिमिट, तो x के प्लेस पे 1 हो जाएगा, सो 1 raised to 3/2 माइनस, बाद में आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है तो 0 raised to 3/2, तो हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस इज इक्वल टू जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है 2/3 into 2 raised to 3/2 है, तो 2 raised to 3/2 को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 raised to 3/2 को मैं 2 raised to half होल रेस टू 3 भी लिख सकता हूँ, दिस वे मीनिंग सेम है, बट मैंने 2 raised to half क्यों लिखा, सो दैट वो रूट टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 raised to 3/2 को हमने लिखा 2 raised to half होल रेस टू 3 माइनस 1 raised to 3/2 है, तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा आंसर आपको 1 आने वाला है आपको मालूम है, तो 1 का पावर 3/2 हो या 1 का पावर 2 हो 1 का पावर 0 हो, दैट मीन्स 1 का पावर कुछ भी रहेगा फ्रैक्शन या डेसिमल कुछ भी रहेगा आंसर आपको 1 ही मिलने वाला है। देन दिस इज -2/3 ब्रैकेट 1 का पावर 3/2 तो 1 आएगा माइनस 0 raised to anything तो ये तो 0 ही रहेगा आपका, देखते सिंप्लीफाई करके क्या होता है। सो दिस इज 2/3 into देखो यहाँ पर 2 raised to half दिया है, तो 2 raised to half को मैं अभी रूट टू लिख सकता हूँ और ये पावर आपका 3 ऐसी रहेगा माइनस 1, देन दिस इज -2/3 और यहाँ पर आपका बचेगा into 1। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 2/3 रूट टू का क्यूब करना है आपको, तो रूट टू का क्यूब का मीनिंग क्या हो गया आपका √2 into √2 into √2, तो आप लोगों को मिल जाएगा ये 2√2 मिल जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज 2√2 और ये -1, देन माइनस यहाँ पर 2/3 दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों भी टर्म में हम 2/3 कॉमन ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर देखो 2/3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2√2 -1 बच रहा है, यहाँ से 2/3 कॉमन गया है तो -1 यहाँ पर देखो बचेगा आपका, सो दिस इज इक्वल टू 2/3 और देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है दिस इज 2√2 -1 -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, एक स्टेप और कर सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू 2√2 और ये -2 तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका √2-1। ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 3x² + 2x + a (dx) = 0 दिया है। देन द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम नॉर्मल वे से देखो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखो इंटीग्रेशन के अंदर दिया है 3x² + 2x + a, तीन टर्म आपको दिया है, तो तीनों का इंटीग्रेशन हम इजिली यहाँ पर देखो निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालता हूँ, ये 3 आपका एज इट इज रहेगा बिकॉज कोएफिशिएंट है वो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x^2 + 1/2 + 1। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ x^3/3, ठीक है, +2 × एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x² / 2 होता है, तो आई विल राइट हियर, मैं लिखूँगा x² / 2 + a, तो आपका कांस्टेंट है। तो आपको मालूम है k का इंटीग्रेशन होता है kx, तो a का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ax और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन हो गया है। तो यहाँ पे लिमिट लिखेंगे 0 to 1 और ये इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है। अब ये मैं सॉल्व करूँगा इक्वेशन, तो वहाँ से आपको मुझे a का पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका ब्रैकेट में, यहाँ मिल रहा है आपको x^3 और यहाँ पे प्लस देखो बच रहा है आपका x² और ये प्लस ax बच रहा है और ये लिमिट है 0 to 1 इक्वल टू 0। इंटीग्रेट हो गया है, अभी आपको लिमिट अप्लाई करना है। दैट मीन्स जहाँ पर भी x है सबसे पहले आपको अपर लिमिट वहाँ पुट करना है, देन माइनस x के प्लेस पे 0 पुट करना है लोअर लिमिट। तो मैं अप्लाई करता हूँ देखो यहाँ पर लिमिट, तो सबसे पहले x का वैल्यू मैं पुट करूँगा 1 अपर लिमिट, तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू एक्स का वैल्यू 1, देन सब्ट्रैक्शन करना है, ब्रैकेट में लिखना है आपको। अब पूरे फंक्शन में आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है, यानी कि लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा प्लस a इंटू 0, तो ये भी आपका देखो 0 हो जाएगा और इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0 तो दिया ही आपको। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस a हो जाएगा ये, देन माइनस 0 तो मीनिंगलेस है एंड इक्वल्स टू देखो यहाँ पर 0। सो दिस इज 2 प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपको a का वैल्यू कितना मिल जाएगा -2, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है ये। तो a इक्वल टू -2। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन 0 to a 3x² × dx = 8 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a यहाँ पर बोल रहा है। एग्जैक्टली सेम वे हम ये गिवन कंडीशन लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो देखो आपको यहाँ पर दिया है, सिंस इंटीग्रेशन 0 to a 3x² × dx = 8 दिया है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। तो 3 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन 0 to a x² बचेगा और आपको x² का इंटीग्रेशन मालूम है बाय यूजिंग x^n फार्मूला। तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x^n+1 यानी कि x^3/3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर लिमिट कितना आएगा 0 to a = 8 एज इट इज़ रहेगा। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर बच रहा है x^3 और यहाँ पर लिमिट क्या दिया है 0 to a = 8। इंटीग्रेट हो गया है, अब आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो आप एक बार x का वैल्यू पुट करोगे अपर लिमिट, देन माइनस x इक्वल टू लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू पहले पुट करेंगे हम a, तो ये हो जाएगा देखो a क्यूब माइनस, बाद में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0³ = 8। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको a³ = 8। 8 को हम 2³ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स आपका इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, तो a का वैल्यू 2 आएगा, आपका सम सॉल्व हो गया। देखो बहुत ही सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो आपको दिया है थर्ड सब क्वेश्चन, इंटीग्रेशन a^3 x³ · dx = 0 एंड इंटीग्रेशन a^3 x² · dx = 2/3। तो यहाँ पर दो इंटीग्रेशन दिया है और आपको पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड a एंड b। तो हम लोग 1/1 इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, आपको इक्वेशन मिलेगा और वहाँ से आंसर आपको मिलते जाएगा। तो देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, x^3 का इंटीग्रेशन, तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर x^3 का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है x^3+1 यानी कि 4 हो जाएगा / 3+1 4 हो जाएगा, और इसको लिमिट क्या आएगा आपका देखो यहाँ पर a^2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 दिया है। एंड सेकेंड वाला जो इंटीग्रेशन है वो भी मैं साथ में सॉल्व करता हूँ,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 2+1 यानी कि 3/3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ब्रैकेट क्लोज, लिमिट है a टू b और इक्वल्स टू कितना दिया है 2/3 दिया हुआ है, तो 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू पुट करना है लोअर लिमिट दैट इज़ a। तो x के प्लेस पे b पुट करेंगे तो b रेज टू 4 हो जाएगा, माइनस देखो यहाँ पर, फिर x का वैल्यू a पुट करो तो a रेज टू 4 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। एंड हम साथ में ये भी सॉल्व करते जा रहे हैं, 1/3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, यहाँ पर x का वैल्यू आप पहले b पुट कर दो तो b क्यूब माइनस, फिर x का वैल्यू आप a पुट करो तो a क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। तो दोनों भी इंटीग्रेशन हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा देखो आपका, b रेज टू 4 माइनस a रेज टू 4 इक्वल टू 4, यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर जाकर के 0 से इंटू हो जाएगा, तो 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी देखो वही सेम थिंग है, 3 यहाँ पर और यहाँ पर भी अपॉन में 3 है तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका, b रेज टू 3 माइनस a रेज टू 3 इक्वल टू 2 बच रहा है। देखो ये b रेज टू 4 माइनस a रेज टू 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो मुझे यहाँ से b रेज टू 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a रेज टू 4 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस a रेज टू 4 वहाँ पर जाएगा तो 0 प्लस a रेज टू 4 यानी कि a रेज टू 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, टेक फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड, तो वी विल टेक द फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड, तो b इक्वल टू प्लस माइनस a आता है, ठीक है, b इक्वल टू प्लस माइनस a, तो b का वैल्यू आइधर प्लस a रहेगा या तो फिर माइनस a रहेगा। और ये मैं ट्राई करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने का, एंड से यहाँ पे क्या दिया है, बी क्यू माइनस ए क्यू इक्वल्स टू 2 दिया है, इसको मैं देखो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, बी क्यू माइनस ए क्यू इक्वल टू 2 में अब b का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर मैं b का वैल्यू a लूँगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन b इक्वल टू मैं प्लस a लेता हूँ, और यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ देखते क्या आता आंसर। तो व्हेन b इक्वल टू a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, b के प्लेस पे a पुट कर दो आप, तो ए क्यू माइनस ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, सो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा 0 इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया यहाँ पे, b इक्वल टू a यहाँ से लिया और मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो जब b का वैल्यू a में पुट करूंगा तो ए क्यू माइनस ए क्यू दैट इज 0 इक्वल टू 2 आएगा, बट 0 इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग लिखेंगे, बट यहाँ पे लिखोगे आप 0 इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, 0 और 2 इक्वल नहीं होता है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ पे b का वैल्यू a लिया तो आपको मिल रहा है 0 इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, b का वैल्यू माइनस a लेंगे, तो आई विल राइट हियर व्हेन b इक्वल टू माइनस a, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखते क्या आता है। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं b का वैल्यू पुट करूंगा माइनस a, तो ये हो जाएगा b के प्लेस पे माइनस a रखना है तो ये हो जाएगा माइनस a का क्यूब एंड दिस इज माइनस a क्यूब इक्वल टू 2, तो माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 2 हो गया आपका ये, सो दिस विल बी माइनस 2 ए क्यूब इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। तो ये देखो आपका ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 2 अपॉन माइनस 2, यू विल गेट हियर ए क्यूब इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस 1, तो ए क्यूब इक्वल टू माइनस 1 हो गया। इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए क्यूब इक्वल टू माइनस 1, आई कैन राइट माइनस 1 रेज टू 3 ऑल्सो, सेम थिंग है ना, बिकॉज माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 3 टाइम्स आप करोगे तो आपको माइनस 1 ही मिलेगा। तो मैंने क्या किया, माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया माइनस 1 रेज टू 3, सेम थिंग है ये, बट अभी क्या हो गया देखो आपका, इंडेक्स इक्वल हो गया, यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो इंडेक्स आपका इक्वल हो गया तो बेस भी इक्वल होगा, देयरफॉर a का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको माइनस 1। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, b इक्वल टू माइनस ए लिया था, तो लिखेंगे सिंस b इक्वल टू माइनस ए लिया था हमने, तो ये जगह देखो आपका b इक्वल टू माइनस, a का वैल्यू आपको मिला है माइनस 1, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ माइनस 1, तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा प्लस 1, तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस 1 एंड b इक्वल टू प्लस 1, ये आपका सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का, तो आपका सम सॉल्व हो गया ये। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू a 4x³ इंटू dx इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम वे जैसे हमने इसके पहले के
तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे आपको ये भी सेम वे सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फोर देखो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 0 to a, दिस इज एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू 16, ऐसी रहेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्स रेज टू n। तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 3+1 अपॉन 3+1 होगा, और ये इंटीग्रेशन हो गया। तो ब्रैकेट दे करके आप लिमिट यहाँ पर लिख दोगे, इक्वल टू आपको दिया है 16। तो सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू दिस इज एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 हो जाएगा, लिमिट है 0 to a इक्वल टू 16। ये 4 कैंसिल होगा तो यहाँ आपका बच रहा है x रेज टू 4 और यहाँ पर देखो लिमिट है 0 to a इक्वल टू 16। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट a, देन माइनस x का वैल्यू आपको पुट करना है 0 लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू मैं पुट करूँगा अपर लिमिट a, तो ये हो जाएगा a रेज टू 4 माइनस x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 रेज टू 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। सो दिस इज a रेज टू 4 इक्वल टू 0 रेज टू 4 में 0 ही होगा वो, तो इक्वल टू 16 आ जाएगा। दिस आई कैन राइट a रेज टू 4 इक्वल टू 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ। तो a रेज टू 4 इक्वल टू 2 रेज टू 4, सो टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ साइड तो आपको a का आंसर मिल जाएगा a इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो वैल्यू मिलेगा आपको। मालूम है कैसे दो वैल्यू मिलेगा? बिकॉज अगर आप a का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 रेज टू 4 आपको 16 ही आने वाला है, अगर आप a का वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे तो भी आपको 16 ही मिलेगा। तो यहाँ पे a का दो वैल्यू आएगा, देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू माइनस 2। आपका सम देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है, फंक्शन आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर a, b एंड c कॉन्स्टेंट है। शो दैट आप प्रूफ करना है इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट में एफ ऑफ 0 प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ हाफ प्लस एफ ऑफ 1। तो आपको प्रूफ करना है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एल एच एस ले लेता हूँ। फर्स्ट आई विल टेक एल एच एस इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, पहले मैं ये लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 आएगा, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स है वहाँ पर आपको ये फंक्शन लिख देना है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। आई विल राइट हियर ए प्लस बी एक्स प्लस ये सी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम देखो निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू हाँ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। 3 टर्म से तीनों का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ए का इंटीग्रेशन मैं निकालूंगा, ए तो आपका कॉन्स्टेंट है, आपको मालूम है k का इंटीग्रेशन होता है k इंटू एक्स। तो a का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, ऐसे ही रहेगा कोएफिशिएंट है। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो हम ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आपका ऐसे ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x रेज टू n का फॉर्मूला आपको मालूम है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 3 अपॉन 3। तो जितना भी टर्म्स था देखो ईच टर्म का मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट दे दोगे बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट आ जाएगा आपका 0 to 1। अब आपको सिंपली क्या करना है, लिमिट पुट करना है। दैट मीन्स आपको एक बार x का वैल्यू पुट करना है 1 एंड बाद में x का वैल्यू आपको पुट करना है 0। तो मैं देखो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो आई विल राइट हियर, तो ये हो जाएगा देखो आपका दिस इज इक्वल टू, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 पुट कर दो। तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो a इंटू 1 a रहेगा वो, तो मैंने लिख दिया a। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन 2 मतलब वो b अपॉन 2 रहेगा, तो प्लस हो जाएगा आपका देखो ये b अपॉन 2। देन प्लस दिया है एक x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, तो 1 अपॉन 3 दैट मीन्स ये c अपॉन 3 हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर c अपॉन 3, देन सब्ट्रैक्शन करना है आपको। अब आपको पुट करना है लोअर लिमिट, दैट मीन्स जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे 0 पुट कर देना है। तो अगर देखो मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो a इंटू 0 0 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन 2 इंटू b, ये पूरा भी 0 हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट किया तो ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज x यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है विथ a b एंड c से, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा।
तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ज़ीरो, लिमिट आपका अप्लाई हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू प्लस मिल गया आपको सी अपॉन थ्री। देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू वन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका सॉल्यूशन मिल गया है ए प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन थ्री। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गया है, अभी हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड, जो कि थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखते हैं ट्राई करते हैं हम लोग। आपको दिया है 1/6 ब्रैकेट में एफ ऑफ ज़ीरो प्लस फोर टाइम्स एफ ऑफ हाफ प्लस एफ ऑफ वन। तो यहाँ पर कहीं भी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सिंपली मैं ये फंक्शन लेकर के स्टार्ट करूँगा। देखो सिंस आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस बी एक्स प्लस क्या दिया है सी एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड के टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो का मीनिंग क्या होता है कि एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पर ज़ीरो लेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा ये। तो मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो निकालेंगे, फिर एफ ऑफ हाफ निकालेंगे, फिर एफ ऑफ वन निकालेंगे, देन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो पहले मैं एफ ऑफ ज़ीरो निकालूंगा, तो यहाँ से एफ ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए x का वैल्यू मुझे बोथ साइड ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू x का वैल्यू ज़ीरो पुट करना है, सो दिस इज़ a प्लस, यहाँ पे x का वैल्यू ज़ीरो पुट किया तो b इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x का वैल्यू ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो इंटू सी ज़ीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से f ऑफ ज़ीरो का वैल्यू मिल गया आपको a, f ऑफ ज़ीरो देखो यहाँ पे मिल गया है आपको। ये पार्ट हो गया आपका सॉल्व, अभी निकालेंगे हम लोग f ऑफ हाफ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन नंबर टू, पुट x इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन नंबर टू। तो बोथ साइड हम इक्वेशन टू के हाफ पुट करेंगे x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ x का वैल्यू हाफ पुट करना है, x का वैल्यू हाफ पुट करो तो f ऑफ हाफ हो जाएगा। राइट साइड में भी आपको x का वैल्यू हाफ पुट करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका a प्लस x का वैल्यू हाफ पुट करोगे तो b इंटू हाफ यानी कि b अपॉन टू हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी आपको x का वैल्यू हाफ पुट करना है तो ये कितना हो जाएगा हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो आप उसको लिख दो यहाँ पर c बाई फोर, ये f ऑफ हाफ हो गया। बट यहाँ पर राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या दिया फोर इंटू एफ ऑफ हाफ, यानी कि f ऑफ हाफ को 4 से इंटू करना है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर आपने 4 से इंटू किया तो 4 इंटू एफ ऑफ हाफ हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सबको 4 से इंटू करो तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b अपॉन 2 प्लस 4c अपॉन 4। देखते क्या था सिंप्लीफाई करके, ये 4 इंटू एफ ऑफ हाफ इक्वल टू 4a प्लस 4b अपॉन 2 तो कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2b प्लस 4 कैंसिल होगा तो c बचेगा। देखो f ऑफ 0 हो गया, f ऑफ 0 देखो आपको यहाँ पर मिल गया 4 इंटू एफ ऑफ हाफ हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका 4 टाइम्स f ऑफ हाफ, ये वैल्यू मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो, अभी आपको निकालना है f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x का वैल्यू आप 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा देखो आपका LHS f ऑफ 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जहाँ भी x है वहाँ पे 1 पुट करना है, तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो b मिलेगा, यहाँ पर भी x का वैल्यू 1 पुट किया तो c मिलेगा। तो f ऑफ 1 इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आपको देखो f ऑफ 1 का वैल्यू भी मिल गया है। क्या क्या फाइंड आउट किया हमने, f ऑफ 0 निकाला, 4 टाइम्स एफ ऑफ हाफ निकाल दिया और एफ ऑफ 1 भी निकाल दिया। अब हम राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो मैं अभी कंसीडर करता हूँ, नाउ कंसीडर दिस, कंसीडर 1/6 इंटू ब्रैकेट में एफ ऑफ 0 प्लस 4 टाइम्स क्या है ये एफ ऑफ हाफ प्लस एफ ऑफ 1, ये देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/6 तो आपको वैसे ही रहने वाला है, इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ 0 हमने फाइंड आउट किया है a, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा a प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ हाफ भी देखो यहाँ पे निकाला है 4a प्लस 2b प्लस सी, तो लिख दो 4a प्लस 2b प्लस सी, देन प्लस एफ ऑफ 1 भी देखो आपने यहाँ पर निकाला हुआ है a प्लस b प्लस सी, तो राइट हियर a प्लस b प्लस सी क्लोज ब्रैकेट।
वन बाई सिक्स को बाहर रखता हूँ मैं, देखते क्या आता है इसका सिंप्लीफिकेशन। तो दिस इज ए प्लस फोर ए, तो फाइव ए हो जाएगा प्लस ए, तो सिक्स ए हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस टू बी प्लस बी, ये हो जाएगा आपका थ्री बी। सी का देखते हैं हम लोग, सी एंड प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका देखो टू सी, क्लोज द ब्रैकेट। नाउ दिस इज इक्वल टू सिक्स, वन बाई सिक्स आपका देखो बाहर मल्टीप्लाइड है, तो जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ईच टर्म को ये सिक्स डिवाइड हो जाएगा। देखते क्या था डिवाइड करके, ये हो जाएगा आपका सिक्स ए अपॉन सिक्स, प्लस हो जाएगा थ्री बी अपॉन सिक्स, प्लस हो जाएगा टू सी अपॉन सिक्स। तो देखते कितना आता है, सिक्स सिक्स कैंसिल तो ए हो जाएगा, प्लस थ्री और सिक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा आपको बी अपॉन टू, प्लस सिक्स और टू कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा आपका सी अपॉन थ्री। इसको मैं देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर टू में दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर वन देखो, इक्वेशन नंबर वन में इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या निकाला हमने, ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री। फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू से देखो क्या मिल रहा है आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू वन बाई सिक्स इंटू एफ ऑफ जीरो प्लस फोर टाइम्स एफ ऑफ हाफ प्लस एफ ऑफ वन का वैल्यू भी कितना मिल रहा है, ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री। तो इक्वेशन नंबर वन भी सेम वैल्यू है, ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री, और इक्वेशन नंबर टू में भी सेम मिल रहा है आपको, ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, आपका ये प्रूफ हो गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड टोटल हम लोगों ने 8 सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व एग्जांपल कंटिन्यू करूँगा। सो आई थिंक आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।